अलमस्त लीलादान कर रहे थे, बड़े सुख से दिन व्यतीत हो रहे थे। और एक बार सूरदास जी गाते गाते लीला गान कर रहे थे और चलते चलते एक गहरे गड्ढे में गिर पड़े। दो दिन हो गए, किसी ने आकर सुध नहीं ली, और आंधे किसी लाकरी आधार श्याम नाम है। सूरदास जी ने सोचा दो दिन प्रभु ने एकांत दिया है, और भगवान नाम कीर्तन करने लगे। मन मोहना मुरली धरा, मन मोहना मुरली धरा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, मन मोहना मुरली धरा, मन मोहना मुरली कथा और शेष है। अब मैं ऐसे तो नहीं कहूंगा आगे आगे हो जाओ, मैं ऐसे कहूंगा थोड़े थोड़े मेरे और पास आ जाओ, थोड़े थोड़े मेरे और पास आ जाओ, पीछे वालों को भी देख लूं ध्यान से। हे मन मोहना हे मुरली धरा, हे मन मोहना हे मुरली धरा, मन मोहना हे मुरली धरा, मन मोहना मुरली धरा, मन मोहना मुरली धरा, हे मन मोहना मुरली धरा, मन मोहना नंद नंदना हे राधा माधव, हे नंद नंदना हे राधा माधव, हे मन मोहना हे मुरली धरा, मन मोहना हे मुरली धरा, हे मन मोहना मुरली धरा, मन मोहना हे मुरली धरा, हे मन जब जय जयकार प्रभु के कान में नहीं पड़ी तो सुर आर्त होकर पुकारने लगे। जब तेरे गोकुल पे भीड़ पड़ी भारी, जब तेरे गोकुल पे भीड़ पड़ी भारी, धर लिया गो क्योंकि गड्ढे में केवल सूरदास नहीं गिरे, गड्ढे में तो हम सब भी पड़े हैं। वो बाहां पकड़ निकाले तो बात बने। तुझको पुकार रहे आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ रसिया, तुझको पुकार रहे तब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया,
सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदलाला राधा झुक सांवरिया, ब्रज के नंदलाला राधा झुक सांवरिया, सब दुख दूर हुए तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और ज्ञान कर्म योग यज्ञ निष्फल हो सकता है, भक्त की पुकार कभी निष्फल नहीं होती। और मैं तो कहता हूं कि जब भक्त को गोद में उठाने का मन हो तो ही भगवान की इच्छा से भक्त गिरता है, नहीं तो भगवान का भक्त गिर ही नहीं सकता, भगवान के भक्त का पतन होता ही नहीं। ठाकुर जी के मन में इच्छा हो कि इसको गोद में उठाकर इसका लाड़ दुलार करूं तो गिरा देते हैं। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए, प्रतिकूलता आए, तो समझना प्रभु संभालना चाहते हैं, इसलिए समय आया है। संयोग से प्रिया और प्रियतम निकले उस ओर, युगल सरकार ने देखा बाबा पुकार रहे हो, सूरदास जी को निकाला। और निकालते ही श्री ठाकुर जी ने हाथ झटक लिया, जाने लगे। सूरदास जी ने समझ लिया कि ये कर कमल किसी और का हो नहीं सकता, जिसका स्पर्श करते ही मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, मन प्राण झंकृत हो गए, आनंदित हो गया तन मन, ये निश्चित रूप से कर कमल मेरे श्याम सुंदर का है, पहचान गए। ठाकुर जी तो आए ही थे पहचान कराने, आए ही थे मिलन के लिए। ठाकुर जी प्रिया जी से कहने लगे, बोले प्यारी आके निकट मत जइयो, ये बाबा चरण पकड़ लेगो। प्रिया जी ने कहा, प्यारे मोए डर ना लगे काऊ पे, मैं तो आके निकट जाऊंगी। चो बाबा जो तेरे निकट आ गई तो चरण पकड़ लेगो मेरे। सूरदास जी ने कहा, लाली मैं तो आंधरो हूं, मोए सूझे ही ना है, दिसे ही ना है, कैसे तेरे चरण पकड़ूंगा। प्रिया जी ने कृपा के आवेश में भरकर चरण युगल सूरदास जी के सन्मुख कर लिए, बोले ले बाबा छीले मेरे चरण। और ठाकुर जी ने सूरदास जी को संकेत किया, मित्र हैं। ठाकुर जी ने सोचा आज तो प्रिया जी स्वयं चरण रज देने को उद्यत हैं, वो चरण कमल जिनकी सेवा के लिए मैं भी लालायित रहता हूं, मुझे सहचरियों से याचना करनी पड़ती है, आज प्रिया जी के मन में कैसा कृपा का उद्रेक हुआ है, स्वयं देना चाहती है। तो ठाकुर जी ने कहा सीधे सीधे सूरदास को कहूंगा तो प्रिया जी क्रोधित ना हो जाए, गुस्सा ना कर ले, मान ना कर ले कि अपने मित्र का कैसा पक्ष लेते हैं। तो ठाकुर जी ने ऊंची आवाज में कहा, अरे नाना प्यारी चरण आगे मत करियो, ये बाबा छिये बनाए, ये बाबा तो जोर से पकड़ ले। और मानो ये कहकर सूरदास जी को संकेत कर दिया, ये चरण छूने को कहती है पर केवल छूना नहीं, पकड़ लेना, छोड़ना नहीं। और श्री सूरदास जी ने बड़ी सावधानी से, क्योंकि बड़े सुकोमल चरणारविंद हैं, धन धन राधिका के चरण परम कोमल सुभग शीतल कमल कैसे वरण, सूरदास जी ने पहले चरण रेणु मस्तक पर धारण की और फिर चरणों को पकड़ लिया। प्रिया जी चरण छुड़ाकर भागी, लेकिन सूरदास जी की भी पकड़ इतनी ढीली नहीं थी कि ठाकुर जी छुड़ाकर भागें और छूट जाएं। प्रिया जी के श्री चरणारविंद का नूप सूरदास जी के हाथ में रह गया। प्रिया जी ने कहा, बाबा देख संध्या को वे रास में जानो है तो नूपुर मोहे लौटा दे। सूरदास जी ने कहा, लाली मोए का मालूम तेरो ही नूपुर है, काऊ और को भयो तो वो मेरे संग आके झगड़ेगो, तू मोए पहले दूसरो नूपुर दिखाए दे या कि जोड़ी को, और मोए दूसरो नूपुर तेरे पाए में मिल गयो तो यूं दे दूंगो। प्रिया जी ने समझ लिया, लाल जी की ओर देखा, नैनो ही नैनो में बात हुई, बोले बाबा बड़ा चतुर है। ठाकुर जी ने नैनो ही नैनो में कहा, मित्र किसका है, मेरा सखा है, चतुर होना स्वाभाविक है, भगवान का भक्त नागर होता है। परमानंद स्वामी कहते हैं, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी ब्रज रज तज मेरी जाए बलाए।
बाकी तो बात पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पे पंडित भया ना कोई। कहाँ रस खान भय संपति सुमार महा, कहाँ तन जोगी है लगाए अंग चार को, कहाँ साधे पंचानल कहाँ सोए बीच जल, कहाँ जीत लियो राज सिंधु आर पार को। जब बार बार व्रत संयम हजार, वेद गाए बीस बार अरे बूझत लवार को, सोई है गमार जिसकियो नहीं प्यार, नहीं पायो दरबार आनंद के कुमार को। न देखी यार की आंखें तो फिर बेकार की आंखें। प्रिया प्रीतम ने कहा बाबा तो बड़ा चतुर है, दृष्टि तो मांगी ही मांगी और साथ में दोनों चरण युगल का दर्शन भी मांग लिया। प्रिया जी ने मुस्कुराते हुए सूरदास जी के नैनों पर अपना कर कमल फेरा। सूरदास जी युगल सरकार की उमन मोहिनी मुनिजन दुर्लभ झांकी कर निहाल हो गए, कृतकृत हो गए, मूर्छित हो गए। श्री ठाकुर जी ने पुनः अपना कर कमल मस्तक पर पधराया। सूरदास जी को चेतना आई, बोले बाबा आज तो कछु हम पे मांग लियो, हमारो देवे को मन कर रो है। सूरदास जी ने कहा आपको दर्शन पाए लियो, वृंदावन रज पाए ली तो पाए वो रहो कहा, राधा प्यारी ध्याय ली तो ध्याय वो रहो कहा, मोए पाएवे के ताई अब कछु कहा शेष है। ठाकुर जी ने कहा तुमको देंगे हमको आनंद होवेगा, हमारे सुख के ताई मांग लो। सूरदास जी ने कहा तो जो मांगूंगो दोगे? बोले बाबा तो ये संशय का, बोले वचन दो, त्रिकाल वचन दो कि देंगे। ठाकुर जी ने सोचा जाने सूरदास जी क्या मांगने वाले हैं, पर प्रिया जी ने कहा हाँ बाबा देंगे देंगे, जो मांगे वो अवश्य देंगे। सूरदास जी ने कहा प्यारी जो आपकी कृपा सो मैंने ये नैन पाए हैं इनको वापस ले लो। प्रिया लाल एक दूसरे की ओर आश्चर्य में पड़कर देखने लगे, बोले जिन नैनन से आपको देखो है उन नैनन से संसार को देखने की इच्छा नहीं है, आपको प्रसाद है लौटाते हुए संकोच है रो है, याई मारे मैंने आपसे पूछी कि जो मांगूंगा आप दोगे, याई मेरी दृष्टता जानो मेरी मूर्ता जानो, पर ये नैन वापस ले लो, आपको रूप जिन नैनन ने देखो है वो रूप काऊ और को देखे ऐसो व्यभिचार मुंह पे ना हो पावे। सूरदास जी के हृदय का वो गहन गंभीर प्रेम अनुराग देखकर प्रिया लाल के नेत्रों में जल भर आया, सूरदास जी के नेत्र वैसे के वैसे हो गए। बाप इसीलिए कल मैंने निवेदन किया कि भगवान की लीला समझनी सरल है, पर भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। भक्त के मन की गांठ, भक्त के मन की ग्रंथि भक्त हुए बिना नहीं समझी जा सकती, भक्त हुए बिना नहीं जानी जा सकती। सूरदास जी श्रीनाथ जी का मंदिर गिरिराज के ऊपर है और सूरदास जी नीचे जतिपुरा में रहते थे। एक गोपाल नाम का युवक उनकी सेवा में रहता था, उनकी सेवा करता था। एक बार सूरदास जी भोजन कर रहे थे तो उन्होंने गोपाल से कहा कि जल की झारी भर कर लिया। वो गोपाल बेचारा किसी कार्य में जल की झारी भर के धरना भूल गया और किसी और अन्य कार्य में मस्त हो गया। रोटी का ग्रास सूरदास जी के गले में अटक गया, बेचारे यहां वहां हाथ डालें तो कहीं जल दिखाई नहीं दे, जल हाथ में नहीं आवे। श्वास लेने की नली में वो भोजन का ग्रास अटक गया। सूरदास जी व्याकुल होने लगे। श्रीनाथ जी का राजभोग हो चुका था, ठाकुर जी शयन कर रहे थे। नंगे पांव जो सोने की झारी श्रीनाथ जी की शैया के समीप रखी जाती थी लेकर दौड़ पड़े। श्रीनाथ जी की झारी जो खाली थी उसमें अपनी झारी से जल डाला। सूरदास जी ने जल पिया तो बोले ये तो प्रसादी जल है, ये सुवासित जल गोपाल तो नहीं ला सकता, ये जल तो श्रीनाथ जी की झारी का जल है। सूरदास जी के मन में संशय हुआ। गोपाल आया तो बोले गोपाल आज जल कहां से लाया? अरे बाबा क्षमा करना, मैं तो जल धरना ही भूल गया, तुमने कहा जल ले आना और मैं तो जल लाना ही भूल गया, तो वो जल कहां से आया? देखा श्रीनाथ जी सूरदास जी के मन का संशय दूर करने के लिए कुटिया के द्वार पर अपनी सोने की झारी छोड़ गए थे। सूरदास जी को समझते देर नहीं लगी, झारी उठाई, पहले सोचा इसको मांझ कर दूं तभी श्रीनाथ जी की सेवा में पुनः जाएगी।
सोचते सोचते मंदिर तक पहुंचे पर नैनों के अश्रुओं ने झारी धो दी और सूरदास जी के प्रेमाश्रुओं से वो झारी जैसी निर्मल हुई वैसी किसी अन्य जल से कैसे होती। रोते रोते श्री गोस्वामी जी को झारी निवेदन की और सारी घटना कह सुनाई। गोस्वामी जी ने कहा, सूरदास जी धन्य है आप जो आपने ऐसा वश में कर रखा है श्रीनाथ जी को कि नंगे पांव दौड़े गए श्रीनाथ जी शयन करते केवल आपको जल पिलाने के लिए। सूरदास जी ने कहा कि गोपाल कोई अपनो नाम धराए ले भैया 100 बार धराए ले, पर गोपाल तो यह दुनिया में एक ही है। गोपाल कहलावे।